गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप एमए प्रीवियस के विद्यार्थियों के साथ मैं डॉक्टर निधि खिंदुका जैन आज आपके प्रैक्टिकल का नेक्स्ट मेथड या डायग्राम स्टैंडी गियर मेथड कर रही हूँ। स्टैंडी गियर मेथड को डॉट स्फीयर मेथड या बिंदु गोलीय आरेख अथवा मानचित्र भी कहा जाता है। यह किसी क्षेत्र की ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या के वितरण को दर्शाने हेतु उपयोग किया जाता है। जैसे हमने अपने पिछले ई वीडियो में किया था स्टिल जैन वर्ड्स, ये बहुत कुछ उसी की तरह है। इसमें भी ग्रामीण जनसंख्या को समान आकार और निश्चित मूल्य के बिंदुओं से दर्शाते हैं और नगरीय जनसंख्या को वृत्त या सर्कल की जगह इसमें गोले के द्वारा दर्शाया जाता है। यह जनरली उन क्षेत्रों के लिए उपयोग किया जाता है जहां रूरल और अर्बन पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है। जैसे हम मेट्रोपॉलिटन सेंटर्स की जब बात करते हैं तो अगर उसमें हम सर्कल्स बनाएंगे तो वो बहुत बड़े बनते हैं, इसलिए उन क्षेत्रों की अर्बन जनसंख्या को हम गोले या स्फेयर के द्वारा दर्शाते हैं। इसकी मेथडोलॉजी भी बहुत कुछ स्टैंडी गियर की जो मेथडोलॉजी है बहुत कुछ स्टिल जैन बोर्ड्स जैसी ही है। इसमें भी दिए गए आंकड़ों में ग्रामीण जनसंख्या के लिए न्यूनतम व अधिकतम आंकड़ा मूल्य के अनुसार एक बिंदु का मूल्य व आकार निश्चित किया जाता है, जैसे हम डॉट मैप में करते हैं या जैसे हमने स्टिल जैन बोर्ड्स में किया था। फिर प्रत्येक क्षेत्रीय इकाई के लिए बिंदु संख्या को कैलकुलेट कर लिया जाता है, जो मूल्य हमने डिसाइड किया है बिंदु का मूल्य उसके अनुसार क्षेत्रीय इकाई की ग्रामीण जनसंख्या के लिए बिंदु संख्या कैलकुलेट कर ली जाती है और नगरीय जनसंख्या के लिए प्रत्येक क्षेत्र इकाई के लिए गोले का अर्धव्यास कैलकुलेट करते हैं। उसका सूत्र है स्फेयर के लिए जो हम अर्धव्यास डिसाइड करते हैं उसका जो फॉर्मूला है वो है गोले का अर्धव्यास इज इक्वल टू संख्या का घनमूल अथवा क्यूब रूट। फिर बिंदु द्वारा जो आपने ग्रामीण जनसंख्या प्रदर्शित की है उस मूल्य का घनमूल और बिंदु का आकार। नाउ स्टिल जैन बोर्ड्स में हमने स्क्वायर रूट यूज किया था और यहाँ हम क्यूब रूट यूज करते हैं। यह मेजर कैलकुलेशन का यहाँ पे डिफरेंस है। तो अब जैसे कि हम एग्जाम्पल लेते हैं, हमने किसी क्षेत्र के लिए ये रूरल और अर्बन पॉपुलेशन ली है, हमने 5 डिस्ट्रिक्ट्स ली हैं उस एरिया की ए बी सी डी ई। उसकी रूरल पॉपुलेशन है 2,150 लाख पर्सन्स, 3,355, 4,842, 6,694 और 5,918। अब हम ने बिंदु का मूल्य मैक्सिमम और मिनिमम को देखते हुए, मैक्सिमम है 6,600, मिनिमम है 2,150, तो हमने बिंदु का मूल्य डिसाइड कर लिया 1,000 लाख पर्सन्स, क्योंकि वैल्यू हमारी लाख में है। अब इस बिंदु मूल्य के अनुसार हम अपने इस डेटा को राउंडेड फिगर में कन्वर्ट करेंगे, 2,000, 3,000, 5,000, 7,000 एंड 6,000, और फिर हम रूरल पॉपुलेशन के लिए नंबर ऑफ डॉट्स डिसाइड कर लेंगे, 2,000 के 2, 3,000 के 3, 5,000 के 5, 7,000 के 7 और 6,000 के 6। इस तरीके से पांचों जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके नंबर ऑफ डॉट्स रूरल पॉपुलेशन की हमने कैलकुलेट कर ली है। अर्बन पॉपुलेशन ए डिस्ट्रिक्ट की है 1,574, बी की 2,910, सी की 3,215, डी की 5,125 और ई की 3,971। नाउ सबसे पहले जो हमारा बिंदु मूल्य था 1,000 लाख पर्सन, उसी हिसाब से हम इसको भी राउंड फिगर में लाने के लिए हमने 15,074 का 2,000 आ गया, बी का 2,910 का 3,000,
3215 का 3000, 5125 का 5000 और 3971 का 4000 राउंडेड फिगर हमने कर लिया। अब यहाँ हम ये जो राउंडेड फिगर्स आपने की हैं इनका क्यूब रूट या घनमूल निकालेंगे। तो इस 2000 का क्यूब रूट है 1250 12.59, 3000 का 14.42, 3000 14.42, 5000 17.09 और 4000 15.87। अब जो हमने गोले का अर्धव्यास हमें याद करना है, हमारा जो फॉर्मूला था संख्या का घनमूल, बिंदु द्वारा प्रदर्शित जनसंख्या का घनमूल और बिंदु का आकार, तो हमने संख्या जो डॉट की ली थी वो ली थी 1000 persons, इसका घनमूल होता है 10 और जो डॉट का साइज हमने लिया है 0.5 mm। इस हिसाब से हम सभी क्षेत्रीय इकाइयों के लिए गोले का अर्धव्यास कैलकुलेट करते हैं। संख्या का घनमूल 12.59, बिंदु का घनमूल 10 और गोले का जो बिंदु का जो साइज है 0.5, तो ये आया 0.62। इसी तरह जो बी क्षेत्रीय इकाई थी उसमें 3000 का घनमूल आ रहा है 14.42 डिवाइडेड बाय बिंदु का घनमूल 10 मल्टीप्लाइड बाय 0.5 जो साइज है, सो 0.72। सी का भी 0.72 आता है, डी का 17.09 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 0.585 और ई का 15.87 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 0.5 तो 0.79। इस तरीके से हमने इन सभी के घनमूल ज्ञात कर लिए और जो इकाइयां हैं उनका घनमूल हमको मिल गया। घनमूल से जो रेडियस या अर्धव्यास हमने ज्ञात किया उस फॉर्मूले से वो हमें मिल गया 0.62, 0.72, 0.72, 0.85 और 0.79। ये हमारा कैलकुलेशन वर्क हो गया, डॉट वैल्यूज हमने फाइंड आउट कर ली और अर्बन पॉपुलेशन के लिए रेडियस या अर्धव्यास हमने निकाल लिया। अब इसके बाद हम ड्राइंग पार्ट पे आ जाते हैं। ड्राइंग पार्ट के लिए आप सबसे पहले जो क्षेत्र है उसका पॉलिटिकल मैप बनाएंगे और उस पर जो प्रत्येक इकाई हम शो कर रहे हैं उसकी बाउंड्रीज बनाएंगे। फिर प्रत्येक क्षेत्रीय इकाई की मेजर सिटी या कैपिटल को बिंदु के द्वारा लोकेट करेंगे। जैसे आप राजस्थान अगर बना रहे हैं तो राजस्थान के जो सब डिविजन है उसका हेडक्वार्टर या डिस्ट्रिक्ट है उसका हेडक्वार्टर आप डॉट के द्वारा लोकेट करें। उसके बाद मेन सिटी की लोकेशन को केंद्र मानते हुए प्रत्येक इकाई के लिए जो हमने अभी कैलकुलेट किया था रेडियस, उस रेडियस का सर्कल बनाएंगे और सर्कल बनाने के लिए नाउ अब हमें इसे सर्कल ही नहीं छोड़ना है, हमको इसको गोले का आकार देना है। तो गोले का आकार देने के लिए हम सभी सर्कल्स के अंदर अक्षांश और देशांतर रेखा बनाएंगे, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स बनाकर उन्हें स्फेयर या ग्लोब का रूप देंगे और फिर इस हर इकाई में गोले के बाहर पर इकाई की सीमा के अंदर ग्रामीण जनसंख्या के बिंदु लगाए जाएंगे और फिर एंड में मानचित्र को जब हम लेबलिंग करेंगे तो राइट हैंड लोअर कॉर्नर पर हम स्केल लिखेंगे, रूरल पॉपुलेशन 1 डॉट से आप क्या शो कर रहे हैं, अर्बन पॉपुलेशन में कितने सेंटीमीटर रेडियस से आप क्या वैल्यू शो कर रहे हैं, ये मैक्सिमम या मिनिमम रेडियस हम ले सकते हैं। तो अब हम ड्रॉइंग पार्ट पे आते हैं। हमने जो 5 डिस्ट्रिक्ट्स ली हैं ए बी सी डी ई, हमने एक मैप बना लिया, उस मैप में हमने 5 डिस्ट्रिक्ट्स को सीमांकित कर लिया और फिर जो रेडियस की वैल्यू आई थी, सबसे पहले हम रेडियस की वैल्यू को कंपस के द्वारा इस तरीके से 0.62 सेंटीमीटर हमने कंपस पे लिया और ए पे जो सेंटर था उस पे लोकेट करते हुए हमने सर्कल बना लिया। इसी तरह बी पे, सी पे, डी पे और ई पे जो रेडियस आया हमने उस रेडियस के सर्कल्स बना लिए और फिर उन सर्कल्स पे लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स अक्षांश
और देशांतर रेखाएं बनाते हुए पांचों पे हमने स्फीयर्स बना दिए। अब स्फीयर्स बनाने के बाद हमारा अर्बन पॉपुलेशन तो शो हो गया है, रूरल पॉपुलेशन के लिए अब हम प्रत्येक क्षेत्र में डॉट्स लगाएंगे। तो रूरल पॉपुलेशन के जो डॉट्स थे वो आप देख सकते हैं, ए के दो थे तो हमने दो डॉट्स लगा दिए सीमा के अंदर, बी के तीन हैं तो हमने सीमा के अंदर तीन डॉट्स लगा दिए इस तरीके से कि पूरे एरिया में वो इक्वली डिवाइड हो जाएं। सी के पांच हैं, 1, 2, 3, 4 एंड 5, डी के 7 हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ई के 6 हैं, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। इस तरीके से हमने रूरल पॉपुलेशन के डॉट्स लगा दिए। वो स्फेयर के बाद बाहर लगेंगे क्योंकि स्फेयर में आपने लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स बना रखी हैं। तो ये हुआ ड्राइंग पार्ट। हमने मानचित्र, पॉलिटिकल मानचित्र लिया, एरिया को सीमांकित किया, उसके जो हेडक्वार्टर्स थे उनको डॉट्स द्वारा लोकेट किया, उन डॉट्स को कंपस का सेंटर मानते हुए जो अर्धव्यास कैलकुलेशन से आया था उससे हमने सर्कल्स बनाए, सर्कल्स पे अक्षांश देशांतर बनाते हुए उनको स्फेयर या ग्लोब का लुक दिया और फिर बाहर हर क्षेत्र के लिए जो ग्रामीण जनसंख्या की डॉट वैल्यू आ रही थी ये डॉट वैल्यू हमने वहाँ पर लगा दी। ये ड्राइंग पार्ट हो गया। अब इसका लेबलिंग हम करेंगे। तो लेबलिंग के लिए सबसे पहले कौन सा डायग्राम है, स्टैंडी गियर, किस क्षेत्र का हम क्या दर्शा रहे हैं, रीजन वन की रूरल अर्बन पॉपुलेशन ऑफ मेजर डिस्ट्रिक्ट्स हम दर्शा रहे हैं, किस समय की, 2007 की, और वैल्यू क्या है। अगेन ये आर्बिट्ररी डेटा है, ये ओरिजिनल डेटा नहीं है, आपको समझाने के लिए आर्बिट्ररी डेटा लिया हुआ है। फिर हमारा मैप आ गया और मैप के बाद फिर हम नीचे स्केल में रूरल पॉपुलेशन 1 dot is equal to 1000 lakh persons और अर्बन पॉपुलेशन में मैंने यहाँ मिनिमम लिया है, आप मिनिमम या मैक्सिमम कोई भी ले सकते हैं, मैंने मिनिमम लिया है 0.62 सेंटीमीटर रेडियस। अब यहाँ हम ओरिजिनल पॉपुलेशन बताएंगे, राउंडेड पॉपुलेशन नहीं बताएंगे। तो 1574 lakh persons, ठीक है। तो ये बना हमारा स्टैंडी गियर मैप। फाइल वर्क के लिए जैसे आपने स्टिल जेन बोर्ड्स का बनाया था उसी तरीके से सेम डेटा लेते हुए आप स्टैंडी गियर्स भी बनाएंगे। राजस्थान का सब डिवीजन वाइज रूरल अर्बन पॉपुलेशन आप 2011 के आंकड़ों के अनुसार लेंगे, राजस्थान का मानचित्र बना के उसमें 7 सब डिविजन्स की बाउंड्रीज बनाएंगे, सब डिविजन के हेडक्वार्टर्स को लोकेट करेंगे और फिर जो वैल्यूज आती हैं उसके सर्कल्स बना के उनको स्फेयर्स बनाएंगे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड बनाते हुए और फिर बाहर उन पे डॉट्स लगा करके और रूरल पॉपुलेशन को डिनोट करेंगे। तो मैं वापस रिपीट कर दूँ, स्टैंडी गियर मेथड में जो आपको फाइल वर्क बनाना है वो फाइल वर्क है राजस्थान का सब डिवीजन वाइज रूरल अर्बन पॉपुलेशन आपको लेनी है 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग। आप इसको लाख में कन्वर्ट कर ले या करोड़ में कन्वर्ट कर ले इजी करने के लिए और फिर 7 सब डिविजन्स का आप बाउंड्री मैप बना करके और उसको शो करें। तो ये था स्टैंडी गियर मेथड या जिसे कि हम कहते हैं डॉट स्फीयर मेथड या बिंदु गोलीय मानचित्र। धन्यवाद।